दोस्तों, मैं अमिता नन्हा उपवन से। दोस्तों, आजकल मैं अपने गांव आई हुई हूं और आप देख रहे हैं आजकल चारों तरफ सबसे खास जिसे हम आम कहते हैं वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये आम का पेड़ देखिए हमारे सामने है दोस्तों, और इसके हर ब्रांच पे इतने सारे आम हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और पूरा नीचे तक इसका इतना ज़्यादा वजन हो गया है आम का कि ये ऊपर से नीचे की तरफ लटके हुए हैं। आप ये देखिए, मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ, कितने सारे आम, कितने सुंदर। तो ढेर सारी आम हैं और ये आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ देखिए, जिधर देखिए, आम ही आम है दोस्तों। यहाँ आकर के इतना अच्छा लगता है, जितने भी सीजनल फल होते हैं, जो मौसमी फल होते हैं, वो सारे यहाँ पर दिख जाते हैं। और इस समय तो चारों तरफ आम, बस आम ही आम है। ये देखिए, अभी दोस्तों आज आंधी आई हुई थी और आंधी आने के बाद जो है मौसम भी बड़ा सुहावना हो गया है, और आज ढेर सारे आम जो हैं वो ब्रांच से टूट करके गिर भी गए हैं। तो ये देखिए, चारों तरफ ये आम है। और दोस्तों, जितनी गर्मी पड़ती है, जितनी ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उतने ही इसमें फल लगते हैं। और बस अब तो बारिश का इंतज़ार हो रहा है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो ये जो हैं फल थोड़े से पकने भी लगते हैं। तो अभी तो ये कच्चे आम हैं, इसमें गुठलियाँ भी पड़ गई हैं, और इसके अभी तो अचार बनाने का काम या इससे और इसका मीठा अचार बनाना, आम का छुंदा बनाना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आम से बनती हैं, तो वो तो बन ही रही हैं। लेकिन जब पकने लगता है ये आम, तब तो क्या पूछने हैं। खाने का मन एक हो, दो हो, लेकिन पता नहीं कैसे चार छः भी खा लिया जाता है। तो ये फलों का राजा आम जो है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को नहीं अच्छा लगता होगा। इस आम को तो सभी पसंद करते हैं, चाहे कोई आम हो चाहे कोई खास हो। फलों का राजा आम सबका प्रिय होता है, सबके पसंद का होता है। तो आम तो वैसे शहरों में भी मिलता है जो कार्बाइड से पकाया हुआ होता है, लेकिन गांव पर जो शुद्धता देखने को मिलती है, एकदम बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये पकता है। और ज़्यादातर तो पेड़ पे ही आम पक जाते हैं और पक पक करके गिरते हैं, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इनको छूना भी इतना अच्छा लगता है, इनकी जो सतह होती बड़ी ही मखमली सी होती है, तो ये खाने में भी उतने ही अच्छे लगते हैं, दिखने में भी, छूने में भी, यानी हर तरह से। गलत नहीं कहा गया है कि ये फलों का राजा जो है वो आम ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी थोड़ा सा वक्त है, आपके पास अगर छुट्टियां हैं, तो अपने गांव जरूर जाएं और आम खरीद कर नहीं, आम अपने पेड़ से तोड़ करके उसका आनंद लें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।